रुकते कहाँ हैं जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। रस्तों के बंधन ना माने कोई जगह ना खोटी जाने, मंजिल तो मिल ही जाती है, मंजिल तो मिल ही जाती है, कोशिश से हर उलझन सुलझे। आज यहाँ कल कहाँ बसते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। अरे तुम इतनी रात गए, आओ आओ अंदर आओ, क्या बात है? मुझे बताओ मुझे कौन सा रोग है? तुम इतनी रात गए ये पूछने आई हो? हाँ, मेरे भीतर एक तूफान सा उठ रहा है, वो थमेगा नहीं जब तक मैं तुमसे सब कुछ नहीं सुन लूंगी। लेकिन तुम अपनी बीमारी के बारे में इतना परेशान क्यों हो? मेरे अतीत का जीवन और उस समय का काम धंधा, तो कभी कोई एहतियात कोई सुरक्षा भी नहीं रखी। तो क्या डर लग रहा है उससे? सच बताओ मुझे एड्स तो नहीं है? समझ में नहीं आता तुम्हें, क्या बताऊं? अगर जिंदगी मिली है तो मौत भी मिलेगी, और फिर जिंदगी 5 बरस की हो या 50 बरस की क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 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 कुछ नहीं। अगर इंसान चाहे तो वो 5 बरस में भी वो सब कुछ कर सकता है जो 50 बरस में भी ना। बात को मोड़ो नहीं, मुझे जवाब दो, मुझे एड्स तो नहीं है? अगर कहूं कि तुम्हें एड्स नहीं है तब तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र मनाऊंगी, आके दरिया से बिना जले बिना झुलसे निकल आई मैं। और अगर कहूं कि तुम्हें एड्स है तब? तब उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी जिसने मुझे ये रोक दिया। कहां ढूंढने जाओगी तुम, और तुम्हें कब मालूम कि कौन तुम्हें ये रोक दे गया? हाँ, ये बात भी सही है। उस सूरत में जो मुझे 5-6 बरस में मर ही जाना है तो क्यों देखूं मैं, क्यों देखूं दूसरों के हंसते खेलते जिंदगी? तो क्या करोगी तुम? अरे नफरत करने लगेंगे सब, कोई पास भी नहीं फटकने देगा मुझे। तब फैला दूंगी मैं इस एड्स की महामारी को, मैं फैला दूंगी। अरे क्यों जीने दो दूसरों को सुख चैन की जिंदगी में, बोलो क्यों जीने दो? विमला ऐसा सोचना गलत है। क्या सही है क्या गलत है, सोचने में क्या जाता है? जाता तो कुछ भी नहीं है, बस इंसान की भावना का पता चलता है। अरे चलती रहे क्या फर्क पड़ता है,
विमला तुम्हें एड्स है। दोबारा कहना। तुम्हें एड्स है, तुम एचआईवी पॉजिटिव हो। बोल रहे हो। झूठ क्यों बोलूंगा? राजमार्ग पर जिस काम को तुम अंजाम दिया करती थी वहां कोई भी आसानी से तुम्हें ये रोक दे गया है। तुम कहते हो मुझे एड्स है? मुझे एड्स है? एड्स हुआ है मुझे? राजमार्ग पर किए गए मेरे पापों का, गुनाहों का फल मिला है मुझे। तुमने तुमने कितनी आसानी से कह दिया मुझे एड्स है। तुम्हारा कलेजा नहीं फट गया? तुम्हारा कलेजा नहीं फट गया ये कहते कि चार चार बरस में तुम मर जाएगी विमला? रोज हर रात उठते बैठते तो अपनी मौत की आहट सुनेगी विमला। होश में मत लगाना मुझे और नसीहत मत देना मुझे होश में आने की। होश में तो मैं आ गई हूं, अब करूंगी होश की बात। अरे एक एक के होश ना उड़ा दिए तो तुम कहना, तो कहना तुम। अरे अगर एक एक के होश ना उड़ा दिए तो मेरा नाम विमला नहीं, अरे मैं अपनी माँ की जाई नहीं। हाँ लिख दूंगी सबके नाम। हाँ तुम देख लेना, तुम देख लेना, कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब सब मरेंगे। हाँ सब मरेंगे। हाँ अरे जो खुद नहीं जिएगी, जो खुद नहीं जिएगी वो औरों को क्यों जीने दे? बोलो क्यों जीने दे औरों को? मुझे बचा ले परमो। परमो मैं देख, मैं तेरी बहन हूं ना परमो, अपनी बहन को बचा ले परमो। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ अपने प्राणों की। देख तू तो जानती है ना मैं कब का काम धंधा छोड़ चुकी हूँ, इस बार बचा ले परमो, एक बार बचा ले परमो, एक बार बचा ले। विमला ऐसा नहीं कहते विमला, मैं तेरा दुख समझती हूँ और अगर बाबू समझते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम सब इस बीमारी के आगे लाचार हैं। मैं भी तू भी और अगर बाबू भी, हिम्मत से काम ले विमला, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले। नमस्कार राघव बाबू। अरे चंद्रभान जी नमस्कार। ये क्या, क्या रात में कोई जलजला आया था? हाँ जलजले से कम भी नहीं था। क्या किसी तरक्की के नापसंद का किया जा रहा तो नहीं है? राघव बाबू जरा उसका नाम तो बताइए, हम भी तो देखें कौन है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं कोई बात तो है जिसे आप हमसे छुपा रहे हैं। अरे नहीं चंद्रभान जी ऐसी कोई बात नहीं है। भाई हमने सोचा आज इतवार है, क्यों ना आपको साथ लेकर एड्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल की जाए। ये आपने बहुत अच्छा किया चंद्रभान जी। तो ठीक है, परमू या बिमला दोनों में से किसी एक के घर डेरा डालते हैं और साथ में चमेली और परवेश को भी साथ लेते हुए चलते हैं। आपको तो कोई एतराज नहीं होगा? अजी मुझे क्या एतराज होना है। तो चले आइए। आइए
विमला, ओ विमला, क्या हुआ, सोई है क्या? क्या पागल है? मुझे लगता है मेरी विमला पागल हो गई है। सच कह रही है, पगला गई है तेरी विमला। उठ, उठ कर बैठ। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा जी अच्छा नहीं। उठ ना। देख मैं तेरे लिए आलू के पराठे लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? अच्छा रख दे, खा लूंगी। रख दे? क्या मतलब? तू क्या समझती है मैं चली जाऊंगी? तू यहाँ बैठकर भी क्या करेगी? तू जानती नहीं है मुझे कौन सा रोग है? तू यहाँ मत आया कर। तब फिर दूर हो जा मेरे से। तू क्यों अपनी जान खतरे में डालती है? बड़ी आई मेरी जान की चिंता करने वाली, ज्यादा बोलेगी तो धर दूंगी एक। मार, और मार मुझे, मैं इसे काबिल हूँ। अच्छा एक बात बता, तुझे पता है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महारानी लक्ष्मीबाई कौन थे? तू कहना क्या चाहती है? छोटी सी उम्र में हंसते हंसते जान की कुर्बानी दे दी थी। परमू, मैं उतनी महान नहीं हूँ। अगर कलेजा पत्थर सा बनाएगी तो तू भी उन जैसी महान हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तू क्या कह रही है, और मैं ये भी समझती हूँ कि राघव बाबू क्या कहते हैं, पर मैं क्या करूँ प्रभु, मेरा मन नहीं मानता। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती प्रभु, मैं इतनी जल्दी भी नहीं मरना चाहती। तेरे, मेरे, राघव बाबू या फिर किसी और के हाथ में भी क्या है विमला? हाँ, मैं ये भी समझती हूँ। और फिर भी ये पागलों जैसी बातें करती है। ये ले, आलू का पराठा खा। भाई वाह, इधर तो पराठों का शाही नाश्ता उड़ाया जा रहा है और यहाँ पेट में चूहे घमासान मचाए हैं। बैठिए ना परवेज भाई, आप क्यों आते जलाते हैं? ये शाही नाश्ता आपको भी मिल जाएगा। अरे क्या सच? चमेली जा मेरी बहन, घर से जरा और पराठे ले आ, अम्मा भी बनाती होगी। अभी लाई। अरे बिमला, क्या हालत हो गई तेरी? तेरी आंखें क्यों सूजी हुई है? हाँ सब ठीक है, वो जरा खाना बनाते समय मसाला आंखों में पड़ गया था। मसाला पड़ गया था या तू मसाले में पड़ गई थी? देख तो आंखें कितनी लाल हो रही हैं। कुछ भी समझ लीजिए चंद्रभान भाई, बात तो एक ही है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए आज आप सब यहाँ कैसे? नाश्ता करने और कैसे? हंसी टिटोली छोड़िए परवेज भाई, सच सच बताइए क्या बात है? सोचा ही तू आर है, राघव बाबू को लेकर एड्स के बारे में कुछ मालूमात की जाए। एड्स? हाँ विमला को भी याद आ रहा था, कहती थी क्या ये छुआछूत का रोग है? राघव बाबू बताइए। चंद्रभान जी ये बिल्कुल गलत धारणा है कि ये छुआछूत का रोग है। किसी को मात्र छूने से, साथ बैठ खाने पीने से, साथ सोने से या रोगी के कपड़े आदि इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता है। मच्छरों के काटने से, नाई के उस्त्रे से, मरीज के बर्तनों के इस्तेमाल से, मरीज को चूमने से या मरीज को बाहों में भरने से नहीं होता ये एड्स का रोग। ठीक कह रहे हैं परवेज भाई, एक ही गुसल या फिर शौचालय के इस्तेमाल में भी कोई हर्ज नहीं। हाँ अभी पीछे सुना था कि बड़े बड़े शहरों में जिन स्त्रियों को एड्स होता है वो अपना खून इंजेक्शन में लिए घूमती हैं और भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्वस्थ व्यक्तियों को इंजेक्शन लगा देती हैं। हाँ ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। नहीं चंद्रभान जी ये सब गलत है, सब अफवाहें हैं। ऐसे ही लोग समझते हैं कि एड्स के रोगी द्वारा शेव बनाए उस्त्रे से ये रोग फैल जाता है। हाँ हाँ क्यों नहीं फैल सकता राघव बाबू? मैंने बताया था ना एड्स एक वायरस होता है। हाँ आपने बताया था। ये वायरस बहुत कमजोर होता है, 30 सेकंड के लिए जिंदा रहता है और उसी अवधि में ये किसी दूसरे को रोगी बना देता है।
राघव बाबू, जिन लोगों को एड्स हो जाता है उनका जीवन फिर क्या रह जाता है? बिमला, एड्स का अभी इलाज उपलब्ध नहीं है। कुछ समय में रोगी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन यह अवधि बढ़ भी सकती है। वो कैसे? बशर्ते रोगी अपना मनोबल ऊंचा रखे, मौत के डर से घबराए नहीं। अरे वो तो सभी को एक ना एक दिन आनी है, फिर मौत से क्या घबराना? हाँ, ये बात सही है। रोगी अच्छी खुराक ले, हरी सब्जियों का सेवन करे, तनाव से मुक्त रहे, व्यायाम करे, शराब सिगरेट आदि का सेवन नहीं करे और किसी भी अन्य बीमारी का तुरंत इलाज कराए, खास तौर पर सर्दी जुकाम, नजला, दस्त, पेचिश, बुखार को ज्यादा दिन बढ़ने ना दे। तब क्या वो बच जाएगा? बचेगा तो क्या, हाँ कुछ सालों के लिए वो मृत्यु को चकमा जरूर दे सकता है। राघव बाबू, इन सभी सावधानियों से क्या फायदा होता है? रोगी की इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षण प्रणाली को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। और हाँ, अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? एड्स के बारे में बस इतना ही कुछ है? हाँ, एक छोटा मगर सार्थक जीवन जीने में जो सुख आनंद है वो लंबी आयु में नहीं है। एड्स के मरीजों को चाहिए कि जब समय कम है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें, जितना जीवन शेष है उसे दूसरों को अर्पित करें, ऐसे काम करें जिससे संसार उन्हें याद रख सके, वरना जीवित तो कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। वाह राघव बाबू, मानना पड़ेगा जितने अच्छे आप मार्गदर्शक हैं उतने गहरे चिंतक भी। अरे नहीं चंद्रभान जी, ईश्वर ने जीवन को समझने की बुद्धि दी है, वही बांटने में लगा हूं। अच्छा ये आप लोगों के लिए है। ये क्या राघव बाबू? मेरे विचार, मेरी योजनाएं, सुजानपुरा के बारे में देखे हुए मेरे सपनों का लेखा जोखा है ये, मेरे जाने के बाद पढ़ लेना। अच्छा ठीक है राघव बाबू, अब चलते हैं। चलो मैं भी चलूंगी, अम्मा भी सुबह से दिल्ली जाने की रट लगाए हैं। क्या जूना भाई जा रही है? पता नहीं, पर कह तो रही थी। अच्छा राघव बाबू। अच्छा नमस्ते, खुदाफिज। खुदाफिज। चमेली तुम जरा बैठो, क्या अभी भी डर लग रहा है? जीवन का मोह अभी भी अधिक है, मृत्यु के बढ़ते पदचाप अभी भी विचलित कर देते हैं। उसे पता है अपना दुख दर्द बांटने के लिए अब तुम्हारे पास दो सहेलियां हैं जिनसे तुम अपने मन की बात कर सकती हो। राघव बाबू ठीक कह रहे हैं बिमला, अब मैं और परमू दोनों तेरे साथ हैं। नहीं, मैंने अपना फैसला कर लिया है। क्या? अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। अब कोई पागलपन मत कर बैठना। हाँ बिमला, दोबारा सोचना। बिमला उतनी भी कमजोर नहीं है राघव बाबू जितना आपने समझ रखा है। मुझे खुशी है तुम्हारा मनोबल तुम्हें शक्ति दे। ये तो समय ही बताएगा। बहुत सोच विचार के बाद सोचा क्यों ना तुझी से पूछ लूं, मेरी एक बात का जवाब देगी? क्या अम्मा, क्यों भूमिका बांध रही हो? पूछो ना क्या बात है। रात मेरी आँख खुली तू कमरे में नहीं थी, कहाँ गई थी तू? बस इतनी सी बात थी। कहीं तो अम्मा, मैं विमला के घर गई थी। इतनी रात गए? अब मैं झूठ थोड़े ना बोल रही हूँ। और उसके बाद मैं राघव बाबू के घर गई थी। देख मेरी बच्ची, रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है वो छलावा होता है, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, फिर भी इंसान छलावे के पीछे भागता रहता है। अम्मा पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कहीं तू उसी छलावे के पीछे तो नहीं भाग रही है? अम्मा जब कोई इंसान उतना ऊंचा उठ जाए कि उसके आगे सारे आदर्श फीके लगने लगे, तब उन संबंधों की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई नाम नहीं होता। मेरी बच्ची मैं सब समझ गई हूँ। सूरज और चांद जितनी भी रोशनी फैलाए कम है, सभी मानव जाति के लिए तो है, उन्हें कोई निजी स्वार्थ में कैसे बांध सकता है?
क्या बात है जुना भाई। बैठो बैठो राघव। और तुम्हारा प्रशिक्षण केंद्र कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है अम्मा। लोगों में पढ़ने का उत्साह है, हम में निष्ठा है और विभागों का सहयोग है। स्वास्थ्य केंद्र? वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। दवा और डॉक्टर का बंदोबस्त हो गया है और कुछ ही दिनों में सुजानपुरा के लोगों को उसका महत्व मालूम पड़ेगा। तुमने सुजानपुरा के लिए बहुत अच्छा कर दिया है राघव बाबू। हाँ जुना भाई, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब मुझे सुजानपुरा से आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम चले जाओगे राघव बाबू? चले जाओगे? हाँ, परमु, बिमला, चमेली, इन सबको पुख्ता धरातल प्रगति की राह मिल गई है। अब कहीं और कोई सुजानपुरा, बिमला, परमु, चमेली मेरी राह देख रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहीं कोई और सुजानपुरा, कहीं कोई और परमु मेरी राह देख रहा है। कितनी आसानी से लिख दिए सब। परवेज, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन्हें समझने में गलती की हो? वो कैसे? राघव बाबू जैसे इंसान किसी एक सुजानपुरा या परमु के लिए जन्म नहीं लेते। अरे वो तो सारे समाज के लिए है। मानव जाति के सारे दुख दर्द उनके हैं, उसी का विकास उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। लो, राघव बाबू आ रहे हैं। ख्याल रखिएगा, हमें उनकी किसी बात में नहीं आना है। बस हमें कोशिश ये करनी है कि वो हमें छोड़कर ना जाए। अरे तुम चिंता मत करो, उठो। अरे नमस्कार। अरे मुझे पता होता कि आप लोग यहाँ हैं तो मैं पहले ही आ जाता। बातों में मत उलझाइए। अरे क्या बात है, आइए 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 आइए। राघव बाबू, क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है जैसा कि आपने लिखा है? मैंने क्या लिखा है? देखिए राघव भाई, हम आपको जाने नहीं देंगे। पर अभी जा कौन रहा है? तो फिर ये लिखने की वजह है? यूं ही लिख दिया भाई, योजनाओं के विस्तार के समय सोचते हुए आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप मानते हैं कि मुश्किलें आएंगी, प्रगति के हर काम में आती है, तब भी आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? परवेज मियां, आप तो इतने खुदगर्ज न थे। क्यों? सुजानपुरा के बारे में सोचते सोचते आपने औरों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। राघव बाबू, आप कुछ भी कहें लेकिन हम आपको सुजानपुरा से जाने नहीं देंगे। ठीक है, जब कोई जाए तब कहिएगा, अभी से क्यों परेशान होते हैं? भाई वाह, क्या बात है। देखिए परवेज मियां, एक काम अभी अधूरा है, उसे पूरा करने दीजिए, तब बताऊंगा। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। हर गुजरे पल में कमजोर मन के आगे न जाने कितनी बार टूटी है विमला, लेकिन हर बार आपके विश्वास ने उसे जोड़ दिया। मुझे खुशी है विमला कि मेरे विश्वास से तुम्हें हिम्मत मिली। इसीलिए मैं आई हूँ ये कहने कि आपने जो विश्वास जगाया है मैं उसे तोड़ूंगी नहीं। बहुत अच्छे विमला, आप जिएगी, चार पांच बरस नहीं उससे भी ज्यादा जिएगी। वो मौत की आहट से डरेगी नहीं, बल्कि हर रोज हर रात उसका सामना करेगी। बिमला, क्या तुमने कभी चांद और बादलों की लुका छिपी को देखा? हाँ देखी तो है। बादल किस तरह चांद को ढांपना चाहता है और वो किसी न किसी कोने से भाग निकलता है। हाँ कुछ इसी तरह तो होता है। तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। जिंदगी के आसमान पर मौत के साए मनोबल को ढांपना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं से भाग निकल मानो मुंह चिढ़ाता है। कितनी गहरी सोच है आपकी। राघव बाबू, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बताओ, क्या बात है? मैं इस एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती हूँ। खली तो बताया था तुम्हें, तुम मुझे ये बताओ तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रखा है? मैंने ये सोचा है कि मैं अपना बाकी जीवन सुजानपुरा में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में इस महारोग की जानकारी और बचाव लोगों तक पहुंचाने में बिताऊंगी। तुम्हारा विचार बहुत नेक है,
जानती हो तुम्हारा कितना बड़ा दायित्व होगा? जानती हूँ, लेकिन अब किसी और बिमला को मैं इस रोग से नहीं मरने दूंगी। ये मेरा प्रण है। मुझे तुमसे यही अपेक्षा है, बस इतनी सी जानकारी और सावधानी में ही बचाव है। आप निश्चिंत रहें, मैं घर घर जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलकर इस रोग की जानकारी दूंगी। आप जैसी तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, कोशिश मैं जरूर करूंगी। अगर थोड़ा बहुत भी बन पाई तो मैं समझूंगी मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैंने सुना है कि आप सुजानपुरा छोड़कर जा रहे हैं। हाँ बिमला, जो सोचा था वो पूरा हो गया। अब कहीं और कोई सुजानपुरा मेरी प्रतीक्षा में है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। देख तो लीजिए राघव बाबू, बिमला जिस राह चले हैं उस पर चल भी पाती है या नहीं। तुम्हारा विश्वास, निष्ठा और समर्पण मेरा भरोसा है। तुम जिस राह पर आगे बढ़ोगी उस पर अकेली कहां हो? इस नई दिशा में न जाने कितने बढ़ते कदम तुम्हारे साथ होंगे। अरे प्रमुख, तुम क्या बात है? चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक सूरज को एक राघव तो बन जाने दो। रुकते कहां है जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम।